युवा सेवा संघ भिलाई के द्वारा संस्कृति और सनातन धर्म को बचाने एवं इसके प्रचार के लिए प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें क्षेत्र के आम जनों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सनातन धर्म पर मंडराते खतरे को देखते हुए युवाओं को इसे बचने का संदेश दिया। संत श्री आसाराम जी बापू के मार्गदर्शन पर संस्कृति और सनातन धर्म की रक्षा के लिए युवा सेवा संघ भिलाई लगातार प्रयास कर रहा है, जिसके तहत इस संघ द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, जिसने पूरे खुर्सीपार क्षेत्र का भ्रमण करते हुए आम जनमानस को यह संदेश दिया कि आज सनातन धर्म व सनातन संस्कृति पर खतरा मंडरा रहा है, जिसे देखते हुए सभी को अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए तैयार होना पड़ेगा और सामने आकर दूसरों को भी संदेश देना होगा। युवा सेवा संघ भिलाई के पवन कौशिक ने कार्यक्रम की जानकारी उपलब्ध कराई एवं आम जनमानस से अपील की कि वे भी ऐसे पुनीत कार्यों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। यह प्रभात फेरी धर्म प्रचार सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए रहता है, हरे राम हरे कृष्ण और इसमें संतों का प्रचार, ये सब चीज़ रहता है, जिसमें पूरे वार्ड 48-46 हम लोग नगर भ्रमण करते हुए और वार्ड 46 दुर्गा मंदिर में यह कार्यक्रम का समापन था, जिसमें प्रसाद वितरण ये जिसमें जगह जगह सत साहित्य धर्म प्रचार का हम लोग बांटते हुए पूरे नगर नगर गली गली घूमे। युवा सेवा संघ अपने गुरु को आदर्श मानते हुए उनके बताए मार्गों पर लगातार चल रहा है और सनातन धर्म और संस्कृति को बचाने की दिशा में अपनी महती भूमिका निभा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।